बढ़ती हुई आबादी मुसलमानों का जितना खतरा नहीं है, उससे ज्यादा खतरा कट्टरपंथी सोच से है। वो कट्टरपंथी सोच जो मुर्तजा के रूप में गोरखपुर में मंदिरों पर आतंकी हमले करे, सर्जिल इमाम जैसा कट्टरवादी सोच जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की सोच बनाए, जो सर्जिल इमाम के तरह ही हिजाब आंदोलन करे और जो CAA कानून के तहत आंदोलन को विषाक्त वातावरण बनाए, ये सोच भारत के लिए खतरा पैदा कर रहा है और देश को इसके लिए गंभीर होने की जरूरत है। देखिए, लाउड स्पीकर पर राजनीति नहीं हो रही है, लाउड स्पीकर के बहाने लोग भारत में अपनी नीतियों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण सबके लिए सरकार ने एक कानून बनाया और उस कानून को सबको मानना चाहिए। अगर यहां तो हिजाब के लिए कानून बनता है, कोर्ट कहता है, उसको भी हम नहीं मानते। जो हमें अच्छा लगता उस कानून को मानते, जो अच्छा नहीं लगता कानून को नहीं मानते। दुनिया के कई मुस्लिम देश हैं जो ध्वनि विस्तारक यंत्र से सवेरे को जो पढ़ा जाता है, आवाज होती है, जो दूसरों का निंद हराम करते, वो नहीं होता, उसकी इजाजत नहीं है। अगर किसी को खुदा की इबादत करनी है, उसके लिए खुदा को जोर जोर से चिल्ला करके थोड़े करना पड़ता है। ये जो लोग कर रहे हैं उनकी मानसिकता कुछ और है, नाम है इबादत का। यही मेरी ईश्वर से भी प्रार्थना है, प्रार्थना उनको सद्बुद्धि दें जो लोग भारत के सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सद्बुद्धि दें।